हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज के एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो यार, इस टाइम हम खड़े हैं माइकल के घर पर। यार, माइकल ने सुबह सुबह दारू की बोतल खोल लिया है और फ्रीज़र में से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है अपने। पीछे माइकल की वाइफ घूम रही है। ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ है बे भाई। मुझे लगता है नशा है भाई इसके बेटे का। गांजा पीता है इस बेटा, गांजा पीता है। मुझे तो गांजा ही लगता है ये। तो चलो आने दो भाई, उसकी तो आज खैर नहीं है, ठीक है ना। माइकल से बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। और यार, माइकल के घर में ना सारा दिन लड़ाई चलती रहती है, इसलिए यार माइकल अपने घर में बहुत ही कम रहता है। क्योंकि यार, इसकी जो वाइफ है ना भाई, ये योगा सीखती है किसी मतलब कोच से। तो जिससे कोचिंग लेती है ना, वो बंदा माइकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए यार माइकल इसे बोलता है, यार ये बंदा वो आ गया योगा सिखाने वाला, नमस्ते कहता है। मुझे लगता है यार ये इंडिया से आया है, ठीक है ना भाई। इसे पता नहीं माइकल इसके इतने तपेड़े मारेगा ना किसी दिन, ये भाई दोबारा इस घर में वापस आने लायक नहीं बचेगा। तो यार चलो कोई बात नहीं, जिम्मी आ गया पहले। यार जिम्मी क्लास देते हैं। बेटा 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 इधर आ, ये क्या चीज़ है। ओ भाई वापस दे कर रहा है, ऐसे कैसे मिल जाएगा भाई साहब। ये माइकल के सामने चिल्ला रहा है भाई, मतलब क्या मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे। ओ यार, उसकी वाइफ भी उसे ही बोल रही है यार, अपने बेटे को नहीं समझा सकती। ओ यार, ट्रेवर भी आ गया भाई यहाँ पे। तो यार सभी बंदे ना ट्रेवर को देख कर यहाँ पर चौंक गए कि ट्रेवर यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो यार पहले देखते हैं इनकी क्या बातचीत होगी अब। Good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner, but can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. तो गाइस, यहाँ पे ट्रैवल सभी से बार बार करके मिल चुका है। और यार ड्राइवर मतलब इस बंदे को बहुत ही गौर से देख रहा है, क्योंकि यार इसने ये बंदा पहली बार देखा है, ठीक है ना। पर यार ये बंदे इसके सामने कुछ बोलना नहीं, अगर ये बोल जाते हैं इसके भाई थपेड़े पड़ जाते हैं यहीं पे। और यार ट्रैवर पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बेटी ट्रेसी कहाँ पर है। तो यार इसकी बेटी पता नहीं यार ट्रेसी है कहाँ पे। She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent/skills show. She loves it. You guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ. She's a horrible dancer. Michael. She might disagree with you on that. Jesus Christ. What now? Now? Where? The Mays Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on. All right. तो गाई जो ट्रेसी है ना भाई, वो कहीं ऑडिशन देने के लिए गई है, डांस ऑडिशन, डांसिंग ऑडिशन देने के लिए गई है। पर यार माइकल को पता चल गया कि भाई वो कोई डांसिंग ऑडिशन नहीं है, वहाँ पे बहुत ही मतलब कुछ गलत होने वाला है उसके साथ। तो यार भाई जल्दी जल्दी माइकल को वहाँ पहुँचना पड़ेगा और अपनी बेटी को वहाँ से बचा कर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यार मतलब ट्रैवर भी इस टाइम उसके साथ है। आप ट्रैवर का आपको पता है ट्रैवर कितना गुस्से वाला बंदा है। और यार जिस टाइम वहाँ पहुँचेंगे ना भाई, ट्रैवर ने सभी को बुरी तरह से तोड़ फोड़ के ना, मतलब मुझे लगता है कहीं ये वहाँ पर भी कोई बॉम्ब ना ब्लास्ट करते। तो यार भाई हम जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे पहुँचना है येलो मार्क पर। तो यार कार हमारी भाग रही है पूरी तेज। तो यार फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें पहुंचना था। तो यार सामने पता नहीं ये क्या है, रेस्टोरेंट है पता नहीं भाई, कोई स्टेडियम है। इसके अंदर जाकर देखते हैं भाई यहां पे क्या होगा। यहां पर भाई पोस्टर वगैरह तो काफ़ी लगे हुए हैं भाई, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। ड्राइवर भाई आगे आगे जा रहा है यार, माइकल को जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा उसके पीछे। तो यार हम चलते हैं ड्राइवर के पीछे भाई भाग के, मतलब ड्राइवर पूरा गुस्से में है आज भाई, कुछ ना कुछ करेगा ये। तो यार चलते हैं ड्राइवर के पीछे पीछे। तो भाई हम इसके अंदर चलते हैं भाई, ये दो बंदे कौन आ रहे हैं। तो यार यहाँ पर हम अपनी ट्रेसी को कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे ट्रेसी को कैसे ढूंढेंगे।
तो ये बंदा आ रहा है भाई, रुको एक मिनट इससे पूछते हैं। ओ भाई, और ड्राइवर ने भाई से गर्दन से पकड़ लिया यार। मतलब यार ड्राइवर आराम से तो कहीं पे बात ही नहीं करता भाई। भाई ड्राइवर भाई का अपना बंदा कहीं भी आराम से बात नहीं करता यार। मतलब ये पूरा खड़के दड़के करने वाला बंदा है यहाँ पे भाई। मतलब फोटो शूट चल रहा है तगड़े वाला, पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यार अंदर है मुझे लगता है ट्रेसी भाई। यहाँ पे डांस ऑडिशन यहाँ पे चल रहा है भाई, डांस ऑडिशन। ये बंदा है भाई जो ये डांस ऑडिशन करवा रहा है, ठीक है ना। और यार इस ऑडिशन का नाम है फेम और शेम। मतलब यहाँ पे या तो फेमस हो जाएगी या आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, ठीक है ना। तो यार देखते हैं अब इस बंदे को, तो यार पूरे थप्पड़ पड़ने वाले हैं। अब आप देखते जाओ भाई, मतलब इसका ये धक्के कैसे दे रहा है ट्रेसी को। तो यार देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट, इसकी हरकतें तो भाई मुझे ठीक नहीं लग रही इस बंदे की। तो ट्रैवर इस टाइम पूरा गुस्से में, क्योंकि यार ट्रैवर इस बंदे को ना पहले से थोड़ा बहुत जानता है। क्योंकि यार पहले ना एक बंदे की, इस बंदे ने एक वीडियो नेट पर अपलोड कर दी थी भाई, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। तो यार इसलिए ट्रैवर डर रहा है कहीं ये ट्रेसी की वीडियो भी नेट पर अपलोड ना कर दे। तो यार इसलिए, तो यार ट्रैवर अब पूरा गुस्से में भाई, इसके थप्पड़ पड़ने वाले हैं। आप देखते जाओ बस। तो यार इसका डांस ऑडिशन शुरू होने वाला है। तो यार देखते हैं बाकी क्या होगा आगे। आप इसका डांस ऑडिशन तो चल ही रहा है। तो भाई बाकी का सीन मैंने काट दिया भाई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत गलत हो रहा। तो भाई माइकल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और माइकल ने इसे बहुत ही ज़्यादा मतलब थपेड़े मारे। पीछे ट्रैवर ने कुर्सी मारी भाई। ये बंदा कहाँ भाग रहा है, इसे पकड़ना पड़ेगा जल्दी 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 उस बंदे को पकड़ना पड़ेगा। हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, भाग के बाहर की तरफ चलते हैं। और देखते हैं बंदे को भाई, गोली से उठाते हैं क्या भाई? गोली से नहीं उठाएंगे इस बंदे का ना, ऐसा हाल करेंगे कि ये बंदा दोबारा ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। सामने कार में जा रहा है भाई उड़ाने को, मैं यहीं से उसे गोली मार कर उठा सकता हूँ, पर यार मैं यहाँ पे उसे नहीं उठाऊँगा, ठीक है ना। हम भाई उसके पीछे चलते हैं। पर यार हमें ये ट्रक क्यों मिल गया भाई? हमारी कार कहाँ गई यहाँ से भाई? अगर हमें मेरी कार, ओ यार साइड कर ले यार भाई कार अपनी। यहाँ पर अगर मेरी कार होती भाई, फिर तो इसे जल्दी पकड़ लेता। तो यार अब ट्रक में मुझे मुश्किल होने वाली है यार। मैं ट्रेलर को यहीं पर छोड़ देता हूँ भाई, एक मिनट रुको, ट्रेलर को यहीं छोड़ देता। तो यार ट्रेलर को हमने यहीं पर छोड़ दिया। तो यार उसके पीछे पीछे चलते हैं भाई। कार को कैसे भाई लेके जा रहे हैं तुम? बचेगा कैसे यार? ड्राइवर हमारे साथ है भाई इस टाइम, ड्राइवर बंदा मेरे साथ है इस टाइम। तो सोच नहीं सकता ड्राइवर कितना खतरनाक बंदा है, ठीक है ना भाई। अब इसके ना इतने थपेड़े पड़ने वाले हैं ना यार। पहले तो भाई इसके थपेड़े पड़ेंगे, फिर भाई हम इसकी करेंगे वीडियो लीक कोई, ठीक है ना, इंटरनेट पर इसका नंगा नाच करवाएंगे भाई आज हम। तो यार ये भाई काफ़ी देर से हम इसके पीछे भाग रहे हैं, पर यार ये रुकने का नाम नहीं ले रहा यार। यहाँ से भाई ये नीचे नाले में कूद गया भाई, मुझे तो नाला ही लगता है यहाँ का, लॉस सैंटोस का नाला है भाई ये। तो यार मतलब भाई ये कितना भगाएगा और हमें भाई, मुझे लगता। और यार हाँ भाई आगे रास्ता ही बंद है, आगे यार ही जा नहीं सकता कहीं पे। तो यार आगे जाके इसे रुकना ही पड़ेगा। तो यार चलो चलते हैं इसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी। यार एक तो ट्रक क्या जा रहा तेज भागता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए भाई मैं उसे पकड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यार मुझे पता था आगे रास्ता बंद है, वो भाई आगे खड़ा है बंदा। तो यार अब देखो इसका कैसा रगड़ा लगता है। तो यार ट्रैवर यहाँ से ट्रक से बाहर निकल गया भाई। ये पूरा डरा हुआ है बंदा भाई इस टाइम। मतलब यार ये ट्रैवर और उसे पंखा लेगा क्या भाई? इसे पता नहीं क्या ट्रैवर और बंदे कौन है। शहर में दोबारा वापस आ गया ट्रैवर। अब भाई पूरा मतलब अपना पूरा खौफ पैदा करेगा ट्रैवर यहाँ पे आके, ठीक है ना। इस बंदे से भाई थप्पड़ थप्पड़ क्यों नहीं मार रहा है ट्रैवर इसे? उड़ा ना भाई। अब देखते जाओ भाई, ट्रैवर इसे नंगा नाच करवाने वाला है और इसकी वीडियो नेट पर अपलोड होगी, ठीक है ना। आप देखते जाओ भाई, अब ये पूरा डरा हुआ है भाई। ये तैयार हो चुका है अपना नंगा नाच करने के लिए। ये जो कह रहा है बस मुझे छोड़ दो आप किसी न किसी तरह। ये भाई भीख मांग रहा है अपनी जान की। और ड्राइवर भाई पूरा गुस्से में इस टाइम। माइकल भी भाई कह रहा है ये सही है भाई, इसका हम नंगा नाच करवा के ना इसकी वीडियो नेट पर अपलोड करेंगे। तो भाई जब आप देखते जाओ इस बंदे के साथ क्या सीन होने वाला है, इसका नंगा नाच बस अब शुरू होने वाला है। अब यार ड्राइवर इसे बोल रहा है जल्दी जल्दी अपनी पैंट उतारो भाई साहब। इसने भाई अपनी पैंट उतार दी भाई, इसकी अब कोई इज्जत नहीं रही इसकी, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल होने ही वाली है। अब आप भाई देखते जाओ। और यार दूसरी साइड भाई ड्राइवर अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव हो चुका है भाई साहब। मतलब पूरा खतरनाक सीन हो रहा है भाई यहाँ पे। भाई डांस देख रहे हो आप इस बंदे का? मतलब भाई मज़ा आ गया पूरी तरह से आज तो। यार आज का मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक था भाई। तो यार यहाँ पे भाई ये भीख मांग रहा है पूरी तरह से कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने अब आपके लिए डांस भी कर दिया है। तो यार माइकल ने इसे खड़ा क्यों कर दिया आप? तो भाई माइकल इसे एक वार्निंग लास्ट दे रहा है कि भाई आज के बाद इस शहर में वापस मत आ जाइयो। तो भाई यहाँ से भाग गया यार। मतलब यार ट्रैवर ने भाई पूरी तरह से इसको डरा दिया भाई, ये मुड़कर इस शहर में वापस आ ही नहीं सकता। तो यार माइकल यहाँ से अपने, माइकल कहाँ पर जा रहा है? और यार ट्रैवर तो चला अपने घर को अपना ट्रक लेकर।
और गाइस माइकल भी अपने घर पे फोन कर रहा है यहाँ पे। तब माइकल ने घर पे फ़ोन करके बता दिया कि ट्रेसी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में वो घर पे वापस आ जाएगी। तो भाई आज के मिशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मिशन हमारा यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। तो ओके भाई गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक यू।